रतलाम में धर्मांतरण को लेकर दो धार्मिक संगठन आमने सामने खड़े हो गए। यहां जैसे ही आदिवासियों को ईसाई बनाने की खबर फैली, हिंदू संगठनों ने बवाल मचा दिया। देश अचानक धर्मांतरण पर मचे विवाद की आग में धू धू कर जलने लगा। भीड़ की ये ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम शहर की है, उसी मध्य प्रदेश की जहाँ बीजेपी की शिवराज सरकार है और जो आरएसएस की सक्रियता का केंद्र रहा है। उसी रतलाम में जब चंद आदिवासियों को ईसाई बनाने की खबर उड़ी तो बीजेपी ब्रिगेड मोर्चे पर उतर आया। लोगों को प्रार्थना के बहाने की दवाई बीमारी और इस बहाने प्रलोभन देकर के और धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा की जा रही थी। हम लोग यही चाहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन की कार्रवाई हो रही है उसे प्रशासन पूरी सख्ती से रोके और हम सब प्रशासन के साथ में हैं। हिंदूवादी नेताओं का आरोप है कि इलाज के नाम पर आदिवासी समाज को बहलाने फुसलाने की कोशिश हो रही है। उनकी राय में ये लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मसला है जो कि गैर कानूनी है। पुलिस ने भी यहाँ के एक ईसाई संगठन यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ईसाई समाज की अपनी दलील है। क्रिसमस का महीना जब चलते है तो हम लोग मसीह समाज के लोग यहाँ पर कार्यक्रम शहर में करते ही है, तो उस महीने में क्रिसमस के आगमन को देखते हुए मसीह लोगों की आत्मिक वर्धन के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो ये धर्मांतरण पर युद्ध की नई किश्त है। मुस्लिम बनाम हिंदू की जंग अब हिंदू बनाम ईसाई की लड़ाई तक पहुंच गई है। ये भी गौर करने वाली बात है कि आज ही आदिवासियों के धर्मांतरण पर अशोक सिंघल का भी सिंहनाद सामने आया है। तो धर्मांतरण पर हर तरफ से बयानबाजी हो रही है, संसद में भी और सड़क पर भी। विजय कुमार, रतलाम, आज तक।